अगली खबर में बात करते हैं ग्वालियर की, जहां सीबीएन और क्राइम ब्रांच ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर 260 किलो गांजा पकड़ा है। यह गांजा दतिया के पास डगराई टोल पर एक यूपी रजिस्ट्रेशन नंबर के ट्रक से पकड़ा गया है। ट्रक में गमलों के बीच में माल छिपाकर आंध्र प्रदेश से उत्तर प्रदेश ले जाया जा रहा था। गांजा तस्करी की खबर नारकोटिक्स विभाग व ग्वालियर एसपी को एक साथ मिली थी। दोनों टीमों ने संयुक्त रूप से कार्यवाही कर दतिया में यह ट्रक पकड़ा है। बरामद गांजा की कीमत 1 करोड़ रुपए के लगभग बताई जा रही है। बताया जाता है कि यह हाल ही में हुई सबसे बड़ी कार्यवाही है। गांजा के साथ ट्रक चालक पकड़ा है, जिसे हिरासत में लेकर मामला दर्ज किया गया है। बुधवार को नारकोटिक्स व क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि काफी बड़ी मात्रा में गांजा की खेप उत्तर प्रदेश में ठिकाने लगाने ले जाई जा रही है। सूचना मिलते ही क्राइम ब्रांच व नारकोटिक्स विभाग की दो टीमों ने ट्रक को घेराबंदी की और दतिया हाईवे पर डगराई टोल के पास एक ट्रक को पकड़ा और उसकी तलाश ली तो उसमें 260 किलो गांजा बरामद हुआ है। पुलिस ने जब ट्रक को पकड़ा तो पहले तो एक नजर में कुछ नहीं मिला। ट्रक में सिर्फ सीमेंट के गमले ही गमले भरे थे, लेकिन उनके बीच में घास और कुछ पैकेट नजर आए। जब टीम ने तलाशी ली तो 120 पैकेट में करीब 260 किलो गांजा पकड़ाया। यह आंध्र प्रदेश से उत्तर प्रदेश के सहरा में सप्लाई होने जा रहा था। एक ट्रक का पीछा किया गया क्राइम ब्रांच के द्वारा, और जब दतिया टोल पर गाड़ी को एनसीबी के द्वारा रोका गया, और चूंकि आगे और पीछे दोनों तरफ से ये फिर फोर्स था पीछे क्राइम ब्रांच की, उसकी तलाशी ली गई ट्रक की, तो उसमें 261 किलो गांजा मिला, जिसमें कि विधिवत एनसीबी के द्वारा उसमें कार्रवाई एनडीपीएस की गई। उसमें 2 आरोपी थे जो कि मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं, और उनको ये एनडीपीएस की कार्रवाई करने के बाद अब पूरी कार्रवाई बाकी एनसीबी के द्वारा की जा रही है। इसमें क्राइम ब्रांच ने भी इसमें सहयोग किया था, ग्वालियर क्राइम ब्रांच।